हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड सब ठीक ठाक होंगे। तो आ रहा है नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जिशान भाई का 25 पैरेट और कॉकटेल वगैरह का सेटअप, जो कि सितारगंज में है। सितारगंज में हम गए नहीं थे, भाई से हमने वीडियो मंगा ली थी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि अपने चैनल पर मेरे सेटअप की वीडियो डाल दो। तो किसी दिन हम जाएंगे सितारगंज, तो जाकर हम वीडियो बना लेंगे पर्सनली। तभी उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, तो हम दिखाते हैं बिना देरी करे हुए आपको वीडियो उनकी। और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो देख सकते हो, यह है जिशान भाई का सेटअप, जो कि 25 पैरेट की एक कॉलोनी है। इसमें बहुत अच्छी ब्रीड हो रही है। ब्रीड भी आपको दिखाएंगे, सब एक एक मटकी चेक करके दिखाएंगे। जल्दी जल्दी में हम दिखा देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर ज़्यादा एक एक करके सब दिखाऊंगा तो मैं आपको। तो देख सकते हो, मटकियों में कुछ ना कुछ सब में है, किसी में अंडे हैं, किसी में बच्चे हैं। तो देख सकते हो, इसमें बच्चे बड़े बड़े हैं कुछ, और किसी में अंडे देने की शुरुआत हुई है, किसी में बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, किसी में दोबारा से अंडे दिए हैं। ये दोबारा बच्चे निकले हैं, ये और ये बच्चे बड़े हो गए हैं इस कॉलोनी में निकल के। कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं, वो कॉलोनी में घूम रहे हैं, और बाकी जो दोबारा से बच्चे जो बड़े हुए हैं वो हैं, कुछ अभी निकले नहीं हैं बच्चे, वो अपने माँ बापों के साथ ही बैठे हैं। ये देख सकते हो, इसमें बच्चे हैं अभी, एक दो बच्चे हैं, एक लग रहा है मुझे बच्चा, ये दो बच्चे होंगे इसमें। अंडे दोबारा फीमेल ने दे रखे हैं, बच्चे अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, फिर भी निकल नहीं रहे हैं बाहर। तो इनको पकड़ के निकाल देना जिशान भाई, क्योंकि मैं तो निकाल देता हूँ, जो ज़्यादा बड़े बच्चे आते हैं उन्हें कॉलोनी में नीचे छोड़ देता हूँ, माँ बाप उनके फीट नीचे करा देते हैं। ज़्यादा छोटा बच्चा है तो दोबारा मटकी में डाल दो, अगर अपने आप निकल के गिर जाता है बच्चा तो हमें बाहर निकाल देना चाहिए वो। तो देख सकते हो, कॉलोनी में सारी दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये देख सकते हो, इसने पहला ही अंडा दिया है फीमेल ने, दोबारा ब्रीड होगी इसकी, सेकेंड क्लच होगा ये। तो बहुत ही अच्छी ब्रीड हो रही है इनकी कॉलोनी में। और ये भाई जिशान भाई जो है सेल भी करते हैं बर्ड्स वगैरह, अगर आपको अगर चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हैं इनसे, इनके पास सब बर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि कॉकटेल हो गया, लवबर्ड हो गया, फिंच हो गई, जो भी मतलब एग्जोटिक बर्ड्स जितने भी होते हैं वो सारे मिल जाएंगे इनके पास। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो बाकी सितारगंज है इनकी लोकेशन, सितारगंज के आसपास के जितने भी भाई हैं जो हमारे चैनल पर वीडियो देखते हैं या मुझसे जो संपर्क करना चाहते हैं, तो आप अगर रुद्रपुर नहीं आना चाहते हो तो आप जिशान भाई से भी संपर्क कर सकते हो, बहुत अच्छे रेट वगैरह देंगे ये भी आपको। और बाकी जो भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं वो रुद्रपुर आ सकते हैं, उनका वेलकम है, जब चाहें जब आ सकते हैं आप। रुद्रपुर से जिसे चाहिए हो वो रुद्रपुर मुझसे ख़रीद सकता है, और जिसे भाई को खटीमा में या सितारगंज में आसपास के लोग हैं जो सितारगंज के, वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको डिलीवरी भी करा सकते हैं। मगर डिलीवरी में ये होता है कि बर्ड्स आपका ठीक से पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आप लोग पास में आके लेंगे, हमसे संपर्क करेंगे आके, तो उसमें अच्छा रहता है, आप अपनी आंखों से देख के लेके जाएंगे बर्ड्स, तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी एक, और हम अच्छी भी चीज़ भेजेंगे आपको डिलीवरी में। अगर वो जाके बीमार हो जाए या रास्ते में बीमार हो जाए तो आप ये कहोगे कि हमें भाई ख़राब चीज़ दी है कुंदन भाई ने। तो मेरे पास जो मिलता है माल सब एक नंबर का मिलता है, मैं तो बुला के देता हूँ, भाई मेरे घर पर आओ, आप देखो अपनी आँखों से, फिर ले कर जाओ। मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि भाई डिलीवरी करा देंगे, डिलीवरी होती नहीं है पहली बात तो। रुद्रपुर में लोकल में तो मैं चलो पहुँचा भी देता हूँ, मगर दूर नहीं पहुँचा सकता मैं। तो यही थी एक वीडियो छोटी सी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे जिशान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करना। जिशान भाई नई नई शॉप खोली है इन्होंने, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाएँ इनके पास, इनका व्यवहार देखें एक बार जाके, अगर अच्छा लगे तो संपर्क करना, नहीं अच्छा लगे तो मत करना, एक बार विजिट ज़रूर करना।